मॉर्निंग फ्रॉम मलेशिया। अभी हम लोग है कुआलालंपुर में, निकल रहे एक्सप्लोर करने के लिए मार्डेका स्क्वायर। मार्डेका स्क्वायर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे मलेशिया का पहला इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुआ था, जैसे इंडिया का लाल किला वैसा ही 1957 अगस्त को। दिस इज द वे यहाँ से जाना होता है, वो आपको शायद फ्लैग दिख रहा है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट लुक एट द व्यू ना। तो ये है मार्डेका स्क्वायर का स्ट्रीट, और हम लोग के सामने ठीक सामने ये मार्डेका स्क्वायर जो ये फ्लैग होस्टेड है, मलेशिया यूनियन फ्लैग। तो यहीं पर पहली बार मलेशिया का इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुआ था, और 1957 को पहली बार यह फ्लैग यहाँ पर होस्ट हुआ था। यहाँ पर पहले ब्रिटिश का राज था, जैसे इंडिया में ब्रिटिश था ना, यहाँ पर ब्रिटिश का राज था और जो इंडिपेंडेंस ब्रिटिश से मिला था। गरम लगे भी, रुमाल आने में पहाड़ी बोले हमारा अवस्था वैसे। सामने जो बिल्डिंग है ये ब्रिटिश के ज़माने में बनाया हुआ, 80s में जो यहाँ का गवर्नमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो लोग बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर है, बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है ना, और पूरा क्लासिक। अभी इस तरफ कुआलालंपुर सिटी गैलरी है, तो हम लोग गैलरी में भी जाएंगे। ये है सिटी गैलरी। अभी हम लोग आर्ट गैलरी के अंदर आके एक लंबा सा क्यू देखा, हम लोग को लगा ये किसके लिए लाइन है क्या। यहाँ पे इस तरफ है एंड उस तरफ भी लाइन है, ठीक है। बाद में पता चला कि ये लाइन खाने के लिए है। आर्ट गैलरी के अंदर एक बहुत ही फेमस कुछ होगा सगा फूड। आर्ट गैलरी के अंदर ये सब आपको देखने को मिलता है, हिस्टोरिकल जो भी बिल्डिंग्स है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे अभी 1898 में बिल्ड हुआ था ना, राइट। सबसे पुराना ये देखो, बाहर अभी जो देख कर रहे हैं ना, हाँ 1897। तो हम लोग अभी तो खाने का मूड में नहीं, ऑलरेडी खा के आया है। लाइन भाई भाई गए रे, और अभी तक गई पे मेन्यू खान विषय नहीं बोले कि खाम कि नहीं। यार कोई ना पापा, तुम बिरयानी फ्राइड राइस है यार, तुम्हारा लोकल पापा। অবস্থা বেয়া হয়েছে, বহুত বেশি গরম, ইয়াতো ঠান্ডা লাগিব বলে ইমান ধুনিয়াছে জ্যাকেট চ্যাকেট লৈ আহিছিলোঁ। ইয়াত গরম হব, অলপ গরম হব, হয় না? ইমান ইমান এক্সট্রিম লেভেলত গরম হব বলে ভাবা নাছিলোঁ, তথাপি আর উপায় নাই, এটা যেহেতু আহিলোঁ এক্সপ্লোর করবই লাগিব। বহুত হি কালারফুল কালারফুল ফ্লাওয়ার্স আছে ইয়াতে, বহুত হি সুন্দর লাগ রহা হ্যায়। यहाँ पर विक्टोरिया फाउंटेन नाम का एक जगह है, हम लोग को मैप में यही दिखाई दे रहा है कि हम फाउंटेन ढूंढ नहीं पा रहे। ये फाउंटेन नहीं, उसमें बीच में ये है, बड़ा सा कुछ था ना, स्टैचू जैसा कुछ था। आईफोन है ये प्रॉब्लम, जितना भी वो आईफोन 15 प्रो मैक्स ले लो, कौन सा भी आईफोन मॉडल ले लो, जब भी थोड़ा गर्म होता ना आईफोन हमेशा पागल हो जाता है, हमेशा। फोटो खींचो ब्राइटनेस इतना कम कर देगा, वीडियो करो कुछ भी करो ब्राइटनेस इतना कम कर देगा ना, तो आपको कुछ दिखाई भी नहीं देगा, मतलब आपको ऐसे ऐसे देखना होगा तब भी आपको दिखाई नहीं देगा। क्या करें यार, आईफोन का लोचा ही लोचा है।
हम लोग ढूंढते ढूंढते विक्टोरिया फाउंटेन मिल गया। ये दिखाओ विक्टोरिया फाउंटेन। ये सब कुछ एरिया 1884 में बनाया था और ये फाउंटेन बनाने का काम शुरू हुआ था 1897। कितना पुराना है देखो उस जमाने में।